मांगते हैं अपने लेके जोरों के गम, वही बनाते हैं दुनिया को एक आनंद आश्रम। सफल वही जीवन है औरों के लिए जो अर्पण है, सफल वही जीवन है औरों के लिए जो अर्पण है, सफल वही जीवन है। हम सब धरती वाले मर मर कर देता है जीवन जल जल के जुझाने, प्यार न भूलेंगे सूरज का हम सब धरती वाले मर मर कर देता है जल जल के जो जाले। सफल वही जीवन है औरों के लिए जो अर्पण है, सफल वही जाएगा। कौन सा स्टीमर? आखिरी तो क्या, अब तो रात भर कोई स्टीमर नहीं है बेटी। रात भर कोई स्टीमर नहीं है? नहीं है? हाँ, एक प्राइवेट नाव वहाँ खड़ी है, माँ जी को बोलो शायद तो मिले तो जाए। लाओ जरा। सुनिए भैया, आप लोग नवीन गाँव की तरफ जा रहे हैं? नवीन गाँव? हमें तो उससे भी आगे जाना है। क्यों? मुझे भी साथ ले चलेंगे। मालिक से पूछना पड़ेगा, उनके मर्जी के बगैर। कहाँ है आपका मालिक? मैं खुद उनके साथ बात कर लेती। हम तो उनके इंतजार में बैठे हैं, अभी आ जाएंगे, शायद वो आ गए। कैसे हो तुम? ठीक है। गाँव में सब ठीक है मालिक? बाबूजी कैसे हैं? बड़े सरकार मजे में, आपकी राह देख रहे हैं। अच्छा, एक सवार नवीन गाँव जाना चाहता हूँ, आखिरी इसमें छूट गई है ना, आप कहे तो। हाँ बुला लो, इसमें पूछना क्या है? अच्छा जाओ बुला लो। आप नवीन गांव किसके घर जा रही हैं? मैं दिसूजा साहब के घर जा रही हूँ। डिसूजा साहब यानी वो अपने बायोलॉजी के मास्टर जी हैं? पर आप उन्हें कैसे जानती हैं? मैं उनकी बेटी हूँ। डिसूजा साहब की बेटी आप यानी? अरे तुम आशा हो हैं? तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं दीपक हूँ। मैं तो तुम्हें देखते ही पहचान लिया था। तो फिर इतनी झिझक क्यों रही थी हैं? मुझसे आके सीधे बात क्यों नहीं की? मैंने सोचा तुम पहचानोगे या नहीं, कम से कम 10 साल तो हो गए होंगे। हाँ, 10th पास करके गया था, उसके बाद इंटर, बीएससी, फिर मेडिकल। हाँ, पूरे 10 साल तो हो गए। अच्छा ये तो बताओ मास्टर जी कैसे हैं? बाबा बहुत बीमार हैं, उनके लिए दवा लाने शहर गए थे। क्या हो गया उन्हें? कैंसर। नवीन गांव आ गया मालिक।
हाँ चलो तुम्हें घर तक पहुंचा दूं। नहीं नहीं तुम्हें तकलीफ होगी। कुछ नहीं होगी, चलो ना। बाबा बाबा देखो कौन आ रहा है। कौन जी? मैं आपका एक पुराना स्टूडेंट दीपक जी। हाँ नमस्ते सर। तुम तो डॉक्टर ही पढ़ने कलकत्ते गए थे ना? जी अब पढ़ाई पूरी करके लौटा हूँ। अब तुम्हारा इलाज ये भी कर सकते हैं। मेरा इलाज? मेरी दवा तो सिर्फ ऑलमाइटी के पास है। सर आप निराश मत होइए। सर सर आप मेरी तरफ देखिए। देखिए मैं आपका इलाज करूंगा, जरूरत पड़ी तो स्पेशलिस्ट का इंतजाम करूंगा। थैंक यू बेटे, थैंक यू। ये क्या कम है, तुम इस गरीब टीचर को नहीं भूलो। मुझे मौत का डर नहीं है बेटे, डर सिर्फ ये है मेरी मौत के बाद इस लड़की का क्या हो, कहाँ जाएगी वो, क्या करेगी। बाबा अब तुम बात मत करो, प्लीज बात मत करो। आप आराम कीजिए सर, मैं कल आऊंगा। आ सको तो आ जाना। जरूर आऊंगा। गॉड ब्लेस यू माय सन। नमस्ते। गॉड ब्लेस। कैसे हो गिरधारी काका? मुन्ना आ गए। ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ जिसे पैरों चलना सिखाया उसके पैर छूते हो, तुम्हें हो क्या गया है? मालिक के चरण छूना तो नौकर का धर्म है मुन्ना। अच्छा तो बीच में ये धर्म का सवाल आ गया। अच्छा हुआ जो इसने बचा लिया, वरना मैं तो डर रहा था कि पहुंचते ही कहीं तुम्हारी डांट न खानी पड़ जाए। डांट तो खानी ही पड़ेगी, ये हक मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। कल रात से इंतजार कर रहा हूँ, कहाँ देर लगा दी बताओ। बस बाबा बस मुझे माफ कर दो। हाँ काका ये लो, ये कलकत्ते से तुम्हारे लिए सुंगनी लाया हूँ। सुंगनी? अरे वाह वाह। अरे महेश वेलकम वेलकम। अरे अरे ये कैसे हो मेरे दोस्त? अच्छा तो प्यारे आ ही गए हो, हम तो ये सोच रहे थे कि कलकत्ता जाकर कौन लौटता है। अरे ये तो बताओ तुम लोग कैसे हो और सब लोगों का हाल क्या है? और हाल तो बेहाल है यार। क्यों? बाकी बातें हवेली में आके कर लेना। हाँ मुन्ना हाँ चलो चलो पालकी में बैठो। पालकी में? हाँ। तुम्हारा भी जवाब नहीं है गिरधारी काका। मैं इन कहारों के कंधे पे चढ़ के जाऊंगा। क्यों कोई नई बात है क्या? अरे जमींदार घराने की सवारियां हमेशा पालकी में ही आती जाती है। चलो बैठो। ठीक कहा तुम। बैठो। हाँ। अच्छा। अरे छी छी क्या हुआ? इतनी धूल धूल। हाँ देखो ना ये कहा लोग कुछ नहीं देखते। अच्छा मैं अभी साफ किए देता हूँ। काका तुम चलो, मैं जरा गाँव की सैर करते आता हूँ। चलो चलिए। अरे मुनीम जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार बाबूजी। बाबूजी कहाँ है? करने का फल है दोषी वो खुद है। लेकिन बाबू जी एक बाल विधवा से शादी करके उन्होंने भी बुरा काम नहीं किया। बुरा नहीं तो क्या, पहले तक विधवा से शादी की फिर अपना धर्म छोड़कर दूसरे का धर्म अपना, इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है? ये पाप है। देखो बेटा हम लोग उच्च कुल के ब्राह्मण हैं, उनसे हमारा कोई संबंध नहीं होना चाहिए। आंदा तुम वहां मत जाया करो। लेकिन बाबूजी बचपन में मैं जब वहां जाता था उसकी बात और थी, तब तुम बच्चे थे अब बड़े हो गए हो, अब जाओ तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। हाँ आराम करो फिर बात करो। Thank you.
बड़ी मियाँ रोको रोको रोको। बड़ी मियाँ हुजूर तुम जाओ, मैं आ जाऊंगा। आप है ये डाउन? तुम बोलो बोलो, आप है ये डाउन? पहले तुम बताओ, तीन तड़ी या पांच तड़ी? पांच तड़ी, जल्दी बोलो। आप या डाउन? तुम तो कुछ भी नहीं भूले दीदी। बचपन को कोई भुला सकता है आशा? सच, कोई नहीं भुला सकता। बोलो आप या डाउन, तुम बताओ पांच तड़ी या तीन तड़ी? पांच तड़ी, जल्दी बोलो। ठीक है डाउन। कुछ भी बीतता नहीं आशा, सिर्फ बदल जाता है। सही बात है। यहाँ अकेले बैठी बैठी क्या सोच रही थी? बाबा की आंख लग गई थी इसलिए यहाँ चली आई। जब दिल बहुत घबराता है तब यहाँ आकर बैठ जाती हूँ। चलो तुम्हें थोड़ी देर घुमा लाऊं। तुम्हें मेरे साथ कोई देख लेगा तुम पर आफत टूट पड़ेगी। क्या? मैं ईसाई हूँ दीपक। लेकिन आज भी तुम मेरे लिए वही आशा हो। चलो नहीं रहने दो, सीधी तरह चलो वरना बचपन की याद है ना। पांच तड़ी आप कुछ बदल गया राही नई नई रास्ता नया नया। बचपन की पत्थर पे खींची रेखा, याद सुहानी बचपन की पत्थर पे खींची रेखा। पहला पहला प्यार दिनों से मिटते नहीं देखा, तूफान समय के बुझा ये दीप जला तो जला। तुम न बदली मैं न बदला, सब कुछ बदल गया राही नई नई रास्ता नया नया। ला 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 ला। वक्त के साथ बदल जाए उसे प्यार नहीं कहते, वक्त के साथ बदल जाए उसे प्यार नहीं कहते। जो हर मोड़ पे मुड़ जाए उसे यार नहीं कहते। यार वही जो साथी बनकर दुख में साथ चला। तुम न बदली मैं न बदला, सब कुछ बदल गया राही नई नई रास्ता नया नया।
तुम न बदली मैं न बदला सब कुछ बदल गया राही नई नई रास्ता नया नया आप जरा अपने को संभालिए आप जरा सो जाइए दीपक बाबा को क्या हो गया क्यों ऐसा कर रहे बेटी दुनिया बड़ी जालिम है मुझे जीने नहीं दिया तुझे भी जीने नहीं देगी आप क्या कर रहे हैं सर आशा जिएगी और पूरी इज्जत के साथ जिएगी मैं आपको वचन देता हूँ सुना आपने मैं आपका वचन देता हूँ क्या कहा तुमने क्या कहा तुमने तुम वचन दे रहे हो जी सुना बेटे दीपक ने आज जो वचन दिया वही मैं तेरे लिए छोड़े जा रहा हूँ मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है तुम सदा सुखी रहो तुम सदा सुखी रहो तुम सदा आपने मुझे बुलाया बाबूजी? हाँ ले जाइए मुने मुझे बाद में देखेंगे सारी रात कहाँ थे तुम कल रात जिसुसर साहब अचानक चल बसे उन्हीं को दफनाने में इतनी देर हो गई क्यों गांव में और कोई लोग नहीं थे जी नेक काम करने के लिए तुम्हें जाना पड़ा मैंने तुम्हें वहां जाने को मना नहीं किया था बाबूजी मैं डॉक्टर भी हूँ किसी बीमार का इलाज करना मेरा काम है इसीलिए मैं आपकी बात नहीं रख सका समझा समझा तुमने एक डॉक्टर का फर्ज अदा किया लेकिन मंदिर में जो कुछ हुआ उसका क्या जवाब है तुम्हारे पास एक मरते हुए आदमी की आखिरी इच्छा थी कि उन्हें कृष्ण जी का चरणामृत मिल जाए और वो इच्छा तुमने पूरी की जी हाँ मैंने भी बुरा काम तो नहीं किया बाबू जी अच्छा बुरा क्या होता है इसका फैसला समाज करता मैं या तुमने हमारा समाज जसोदा और उसकी बेटी को मंदिर में जाने की इजाजत नहीं देता इसलिए वो मंदिर में नहीं जा सकता फिर भी तुमने वहां जाकर हंगामा खड़ा कर दिया क्यों किस लिए बाबू जी मेरे लिए ना कुछ छूट है ना अछूत ना कोई ऊंच है ना नीच मेरा धर्म है आदमी की सेवा करना उसको जिंदगी देना इसलिए आपके समाज आपके सोचने समझने की ये बंदिश है मैं मंजूर नहीं कर पाऊंगा बाबू जी मुझे माफ कीजिएगा ये सब क्या है आशा यहाँ रहने का जो कारण और सहारा था अब वो खत्म हो चुका है आज शाम की गाड़ी से मैं चली जाऊँ कहाँ कहीं भी ये नहीं मालूम तुम्हें शायद ये भी मालूम नहीं कि मास्टर जी को मैंने यहाँ एक वचन दिया था जिस वचन से जिंदगी का रूप बिगड़ जाए उसका क्या फायदा दीपक उस वचन से मैं तुम्हें मुक्त करती हूँ नहीं आशा नहीं उस वचन से मेरी जिंदगी का रूप बिगड़ेगा नहीं बल्कि बन जाएगा मुझे तुम्हारी जरूरत है आशा सुनो हम यहाँ से कहीं दूर चलेंगे गरीब मजबूर और सताए हुए लोगों की सेवा करेंगे एक अस्पताल खोलेंगे मैं यही सपना लेकर गाँव लौटा था और उस सपने को पूरा करने में मुझे तुम्हारा साथ चाहिए बोलो साथ दोगे ना हाँ बोलो आशा साथ दोगे ना हाँ दीपक
पति बधु की मांग में सिंदूर भर दे, शुभ विवाह नौ दातों में ठहराओ। अरे बाबूजी आप, आपने ये काम अच्छा नहीं किया पंडित जी। बाबूजी अपनी बहू को आशीर्वाद, आशीर्वाद देने लायक काम नहीं किया तुमने। तुमसे कुछ कहना, आओ मेरे साथ। आपको जो कुछ कहना है यही कह दीजिए। अपने घर आने की बातें इन घरों में नहीं, वहीं शोभा देती है। चलो चलो आशु। नहीं, बात सिर्फ तुमसे करनी है। पंडित जी आपको 24 घंटे की मोहलत देता हूं, गांव छोड़कर चले जाइए। तुम घबरा नहीं आशा, मैं अभी आता हूँ, जरा ख्याल रखना इनका। तुम फिक्र मत करो भाभी, आखिर एक लौता लौता है, जमींदार साहब कुछ बिगड़ेंगे फिर अपने आप रास्ते पे आ जाएंगे। देख रहे हो ना, ये है हमारे खानदान के पूर्वज जिन्होंने इस घराने को इज्जत दी। इन महान हस्तियों के सामने मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि आज तक मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे इनकी इज्जत पर आंच पहुंचे। तुम इस खानदान का खेरे वारिस हो, आज तुमने जो कुछ किया उससे सिर्फ मेरा ही नहीं, इन सब का सर शर्म से नीचा हो गया। लेकिन बाबूजी एक मरते हुए आदमी को मैंने वचन दिया था। बिना सोचे समझे वचन क्यों दिया था तुमने? खैर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी उनका मुंह बंद किया जा सकता जो तुम्हारी शादी के गवाह है। उस लड़की को किसी अनाथ आश्रम में भेज दो, जितने रुपये चाहिए दे दो। बाबूजी आशा आप मेरी पत्नी है, आप जो कह रहे हैं जरा सोच के देखिए क्या वो सही है। मैं जानता हूं यह गलत है, लेकिन पहला गलत कदम तुमने उठाया है। तुम उच्च कुल के ब्राह्मण हो और लड़की ईसाई है, वो तुम्हारी पत्नी कभी नहीं हो सकती, उसे भूल जाओ बेटे। ये मुमकिन नहीं है बाबूजी, मैं मजबूर हूं। अगर तुम मजबूर हो तो यह खानदान भी मजबूर है, और इस खानदान की इज्जत के लिए मैं भी मजबूर हूं। क्या तुम चाहते हो कि उस दिनेश चंद के लड़के के लिए मैं तुम्हें इस खानदान के हर अधिकार से बेदखल कर दूं? जैसा आपको ठीक लगे, मुझे सब मंजूर है। मैं आशा के साथ ये गांव छोड़कर जा रहा हूं। आशीर्वाद दीजिए बाबूजी, ताकि मैं गरीबों और बदनसीबों की सेवा कर सकूं। रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं। सुनो बेटा, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूं, इस खानदान को बदनामी से बचा लो, जो गलत तुमने की है उसे सुधार लो। मैं ऐसे गलत नहीं समझता बाबूजी। तो याद रखो, आज के बाद मुझसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं, न मुझसे न इस घराने से। घराने के जिस नाम का वास्ता दिया है आपने, उसी के नाम का ये वारिस मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका और इस घराने का नाम मैं कभी नहीं इस्तेमाल करूंगा। जब तक जीऊंगा गुमनाम होकर रहूंगा। आप मेरे पिताजी हैं, ये भी किसी से नहीं कहूंगा। मैं अंतिम प्रणाम करता हूं आपको और इन पूर्वजों को, इसे स्वीकार कर सकें तो कर लीजिएगा। मुन्ना मज्जा सुन मुन्ना, सरकार ये क्या अनर्थ हो रहा है? वही दुकुल का दीपक है, उसे वापस बुला लीजिए सरकार। उसे जाने देगा था, मैं सोच लूंगा ईश्वर ने मुझे कोई औलाद नहीं। सरकार ऐसा न कहिए। क्या सोच रही हो आशा? सोच रही थी ऐसी एक शाम हम लोग गांव की तरफ जा रहे थे और आज गांव छोड़कर जा रहे हैं। नहीं आशा नहीं, गांव छोड़कर नहीं, हम एक नई दुनिया की तरफ जा रहे हैं, अपनी आशा के साथ, एक नई आशा लेकर। चंद्रमुखी, ओ चंद्रमुखी, लो 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 लो, धन्य हो केले संतरे, हिंदू पानी ढूंढते ढूंढते सांस फूल गई। ये तुम खा लो। क्या बात है साहब, किराने डब्बे के सामने आप इतनी चुस्की लिखा के चाय पी रहे हैं, आखिर मतलब क्या है आपका? वही जो आपका, मैं आपकी तरह आंखें मटका मटका के शीशी करके चाय पी रहा हूं। क्या करें, मजबूरी है। धन्य हो, शायद इस तरह चाय पीने की गलती मुझे यहाँ पर नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन क्या करूं,
जिसे देख के मैं शीशी कर रहा हूँ वो यही है। ये बात समझा, हमारी शादी को तो 9 साल हो गए, मैं तो भूल ही गया। और हमारी शादी का तो 9 दिन भी नहीं हुई है, इसलिए भूल हो गई। धन्य हो आप, जी भर कर शीशी कीजिए, बड़े मजेदार आदमी है आप। शतरंज खेलते हैं? हाँ थोड़ा बहुत। तो आइए हमारे डब्बे में आइए, हम बाजी जमाएंगे, गप्पे लड़ाएंगे। हाँ चलिए कोई बात नहीं। चंद्रमुखी मैं इनको अपने डब्बे में ले जा रहा हूँ। शतरंज धन्य हो, शतरंज। एक बात है साहब, धर्मपत्नी साथ हो तो सफर का सारा मजा किरकिरा हो जाता है। जी नहीं समझे। नहीं, हमारी शादी को 9 बरस हो गए। हाँ। सुबह शाम एक ही चेहरा देखते देखते आंखें कमजोर हो गई। इन आंखों को कुछ टॉनिक तो चाहिए। आप बड़े रसिक लगते हैं। लगते हैं क्या? नहीं सचमुच। हाँ, मेरा नाम ही रसिक लाल है। क्या कारोबार है आपका? बाप का व्यवहार संभालने को कारवा कह सकते हैं। हाँ जी क्यों नहीं, वही करता हूँ। कलकत्ते में रंगाई का कारखाना है, अब बनारसी साड़ियों का व्यापार है। हाथी बचाइए। मेरा हाथी तो गया सेठ जी, आप अपना वजीर बचाइए। अरे आप तो पहुंचे हो शतरंज जी। क्या करते हैं जी? इसी साल डॉक्टरी पास की। डॉक्टरी? जी हाँ। तब तो आप दवा खाना खोलेंगे, वो भी किसी बड़े शहर में। नहीं जी, हर डॉक्टर शहरों में चला जाएगा तो गांव वालों को कौन संभालेगा। आप ही की तो तलाश थी मुझे, राह चलते मिल गए। क्या नाम है आपका? जी दीपक। नाम भी धन्य है। आप मेरे जीवन में उजाला करो, मेरा परलोक सुधार दो डॉक्टर बाबू। ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं समझे। धन्य हो हर पैसे वाला, नीकी कमाना चाह रहा है, कोई दान करता है, कोई मंदिर बनवाता है। मैं गरीबों की सेवा करना चाहता हूँ डॉक्टर बाबू। जी वैसी सेवा तो मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन सेठ जी अभी तो मेरे पास कोई साधन नहीं है। यही तो धनी को समझा रहा हूँ। मैंने गांव में एक दवाखाना खोला था, कई वैद्य भी रखे, मगर कोई गांव में टिकता नहीं। आप वो गांव का दवाखाना चलाइए डॉक्टर बाबू। दवाखाना आपका और पैसा मेरा, सेवा आपकी और नाम मेरा, समझे? अरे ये तो मन मांगी मुराद पूरी कर दी आपने। तो मैं आपके साथ उधर पड़ता हूँ। डॉक्टर बाबू मेरा परलोक सुधर गया। डॉक्टर बाबू अब मुझे मात दे दीजिए, फिर भी कोई गम तो ये लीजिए मात। शुरू कर दूं डॉक्टर बाबू? हाँ हाँ शुरू कीजिए। क्या बोलूं? कहिए भाइयों और बहनों। भाइयों और बहनों, आपका दिमाग धनी खराब हो गया क्या? देखते नहीं सामने मेरी बीवी बैठी है, बहन। हाँ तो ऐसा कहिए कि गांव की प्रजा। गांव की धन्य हो प्रजा। और मुखिया जी, ये दवा खाना, ये आनंद आश्रम आज दोबारा शुरू हो रहा है। भगवान ने इस बार डॉक्टर बाबू को आपकी सेवा के लिए भेजा। ये दवा खाना 2 साल से बंद पड़ा था, वैद्य जी भाग गए थे, गांव में रहना उनको पसंद नहीं था, पर अब ये डॉक्टर बाबू ये गांव में रहने का और आप सब की सेवा करने का व्रत लेकर आए हैं। धन्य है डॉक्टर बाबू, तालियां। अब आपका धर्म है इनकी सहायता करना और सब लोगों को पकड़ पकड़ के हमारे अस्पताल में बंद कर देना। सब लोगों को नहीं सिर्फ बीमारों को। ओ, नहीं सब लोगों को नहीं सिर्फ बीमारों को, ताकि ताकि मेरा नाम ऊंचा हो, धनी हो, हमारे गांव का नाम ऊंचा हो। तालियां। क्यों जी? हाँ जी। भाभी को घर पर दिखाओ। हाँ दिखाती हूँ, चलो तुम्हें सब कुछ दिखा दूँ, आओ। हाँ तो कहिए डॉक्टर बाबू, क्या कैसा था भाषण? बहुत अच्छा। हाँ लोगों ने तालियां भी बजाई। क्यों मुखिया जी? ये भी कोई कायदे की बात है दयालु? वैसे तो मैं भाषण खूब दे लेता हूँ, मगर बोलते वक्त पैर जरा कांप जाते हैं। शुरू शुरू में ऐसा होता है। होता है ना, तभी तभी
तो फिर डॉक्टर बाबू ये हो गया आपके मरीजों के लिए, ये आपके रहने के लिए। वैसे तो यहाँ सब कुछ है, मगर फिर भी अगर कुछ चीज की जरूरत पड़ी तो मुझे लिखिएगा, मैं धन्य हो शहर से भेज दूंगा। आपने तो हमें सचमुच बचा दिया, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। कैसी कैसी बातें करते हैं डॉक्टर बाबू। मुखिया जी जी, यहाँ डॉक्टर बाबू का उतना ही आदर होना चाहिए जितना हमारा होता है। आप निश्चिंत रहिए दयालु। अजी सुनते हो जी, गाड़ी का वक्त हो गया। तब तो डॉक्टर बाबू हमें जाना है। अरे ये क्या, आप आज ही चले जाएंगे? क्या करूं डॉक्टर बाबू, शहर के कारोबार भी तो देखना पड़ता है। लेकिन दयालु आज तो आपको गांव वाले जाने ही नहीं देंगे। क्यों क्यों नहीं जाने देंगे? अस्पताल खुला है ना, तो गांव वालों ने नाच गाने का प्रबंध किया है। तो सुनती हो ये डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू कह रहे हैं कल जाने के लिए। ठीक ही तो कह रहे हैं, कल जाइए। आइए आइए। एक मिनट डॉक्टर बाबू, कौन कौन नाच रही है? वो ही कमली दयालु। मुझे बता देना कि इस बार मेरे साथ कोई ऐसी वैसी हरकत ना करे। जब चाहो चली, जब चाहो चली आऊंगी, जब चाहो चली।
सरकारे। सरकार, काफी रात हो गई, आप सोने नहीं जाएंगे? जाता हूँ। एक बात पूछो सरकार, मुन्ना बाबू का पता लगा? कोई जरूरत नहीं, तू जा। हाँ, इस खाट को ऐसे रख दो, ऐसे। नहीं नहीं, यहाँ ठीक नहीं लग रहा है सर, हमें उस तरफ होना चाहिए। अच्छा बाबा, ठीक है, जैसे डॉक्टर जी कहती है वैसे रख दो, जाओ जाओ। ठीक है ना डॉक्टर जी? हाँ, उठाओ उठाओ। हाँ, इसको इधर रखो और देखो इसको इधर रखो। हाँ ठीक है, ठीक से लगाया? हाँ जी। हाँ ठीक है, वाह। क्या ऋषिक एलर्जी की दवाई आ गई? हाँ जी। अच्छा तुम्हें काम करो, अंदर रखो इसको। हाँ आशा, 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 ये देखो ऋषिक एलर्जी ने कितनी दवाइयाँ भेजी हैं। अच्छा, शुक्र है, अब तो किसी चीज की कमी नहीं है। डॉक्टर बाबू, जरा मेरी माँ को देख लीजिए। क्या हुआ दुखिया काकी? हमेशा बुखार रहता है डॉक्टर बाबू, हमेशा चोरी चोरी आचार खाती रहती। अच्छा? है। खाती है तो क्या, तेरी बीवी बना कर देती है, खुद बना कर खाती भी। समझ गया दुखिया काकी, तुम्हें आचार खाना छोड़ना पड़ेगा। आशा, इनको दो नंबर वार्ड में भर्ती कर दो। ले जाओ। आशा, ये गुलमोहर का पेड़ है ना? हाँ, ये हमारी प्यार की निशानी है। अच्छा, जानते हो गुलमोहर में खास बात होती है। क्या बात होती है? अगर हम खूब प्यार करेंगे तो इसके फूल खूब लाल निकलेंगे। ऐसा? और हम प्यार नहीं करेंगे तो फूल पीले पड़ जाएंगे। तो इस गुलमोहर को पहला सबूत दे दें अभी। अरे सुनो ना, सुनो आशा, सुनो। देखो, ये पेड़ जब बड़ा होगा हम इसके चारों तरफ एक चबूतरा बनवाएंगे। हाँ, उस चबूतरे पे हम दोनों चटाई बिछा कर लेटा करेंगे और ऊपर से फूल बरसा करेंगे। हाँ, और हमारे घर में जब फूल खिलेंगे तब अरे सुनो, इधर आओ। क्या है महारानी? मतलब आप या डाउन? आप या डाउन? अच्छा तो पहले ये बताओ, पांच तड़ी या तीन तड़ी? पांच तड़ी, जल्दी बताओ। आप? आप? ये शर्त नहीं थी। अरे बाबा, आज के बाद तो मैं जिंदगी भर ही हारूंगा। हाँ श्रीमती जी, देखो पहले शीशी की दवा, हाँ उसके बाद ये पूरी, उसके बाद फिर ये शीशी की दवा। लक्ष्मी दीदी, मैं समझा नहीं, पूरी का पहला शीशी क्या बोला? पहले शीशी की दवा, शीशी की दवा, फिर पूरी। शीशी की दवा, वो दवा नहीं, वो शीशी की दवा नहीं जो समझ कर तू खुश हो रहा है। तेरी वो शीशी की दवा तो मैं छुड़वा के रहूंगी। हाँ छुड़वा, अरे बाबा ये सब क्या लिखा है, जरा साफ तो लिखा करो। अरे बाबा साफ तो लिखा है, क्या कहा? ये सोडा बाई का। ये सोडा बाई का है जी, लेकिन हमारी दवा से ज्यादा असर तो दीदी के प्यार का ही हो रहा है। क्या कह रहे हो? इन लोगों को दवा के साथ साथ प्यार भी मिलना बहुत जरूरी है। और हमें अरे लक्ष्मी, दवा तो लेकर जा। हाँ
बहुत सर्दी लग रही डॉक्टर बाबू। सर्दी लग रही जी? कौन से तालाब का पानी पीते हो? जिसका पानी सब लोग पीते हैं। यही तो मुश्किल है ना, तुम लोग पानी नहीं सिर्फ मलेरिया पीते हो। सबसे पहले उस तालाब का इलाज करना पड़ेगा। देखो चूना दूर दूर तक देखो। हाँ, और देखो आज से इस तालाब का पानी सिर्फ पीने के लिए रहेगा। इसमें नहाना कपड़े धोना बिल्कुल बंद। हाँ समझे? अब जो कहेंगे वही होगा। हाँ एक्सक्यूज मी, डॉक्टर दीपक आप हैं? जी हाँ आप? मैं भारत समाचार का रिपोर्टर। अच्छा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आपने तो इस गांव इस पूरे इलाके की कायापलट कर दिया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपने अखबार में आपका इंटरव्यू छापूं ताकि। मेरा इंटरव्यू? हाँ जी। क्या करेंगे, मेरा इंटरव्यू लेके आइए आइए। चलिए जो करिश्मा आपने इस दूर देहात में किया है, हो सकता है उसकी मिसाल कुछ और डॉक्टर भी शहर से गांव की तरफ खींच रहे। जी मुझे विश्वास है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब डॉक्टरों को एहसास होगा कि उनकी असली जरूरत इन गांव को है। आप ठीक कहते हैं डॉक्टर साहब, मैं आपका हॉस्पिटल में देखना चाहता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, जो काम आप करते हैं सब अकेले करते हैं? जी नहीं, मेरी पत्नी बहुत मदद करती है। अच्छा अच्छा, सच पूछिए तो वही मेरी शक्ति है, प्रेरणा है। तो उनसे मिलना और भी जरूरी है। हाँ हाँ जरूर आइए ना आइए। डॉक्टर साहब मैं आपके फोटो ले लूं? तस्वीर? शर्मा जी सरकार सरकार जरा चश्मा से दीजिए, सांस कर दो। क्या बात क्या है? देखिए ना अखबार में क्या छपा है। छपा? अपने मुन्ना बाबू की तारीफ लिखी है, तस्वीर भी छपी है। बाबा भोलेनाथ ने मेरी सुन ली, उनका पता चल गया। देखिए देखिए मुन्ना बाबू कैसे हंस रहे हैं। मैं हंस नहीं रहा रे, मेरी हंसी उड़ा रहा है दुनिया के सामने। मैं अकेला रह गया ना इसलिए। चलिए मुझे नहीं देखना है। क्या सुनाई नहीं दे रहा है? इतनी नाराजी भी अच्छी नहीं, मुन्ना बाबू को बुला लीजिए। भूल किससे नहीं होती सरकार। ये भूल नहीं है गिरधारी, अगर वो भूल करता तो मैं जरूर उसे माफ कर देता, लेकिन उसने जानबूझकर इस खानदान के खिलाफ बगावत की है जिसे मैं माफ नहीं कर पा रहा हूं। उसका नाम मत लेने मेरे सामने, जाए यहां से। रांधे से बड़े सरकार ने तो कलेजा पत्थर का बना लिया। मुन्ना तुम ही जिद छोड़ दो और चले चलो। पर इससे होगा क्या गिरधारी काका? मैं माफी भी मांग लूंगा, लेकिन बाबूजी आशा को अपनी बहू कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आशा जी? आशा आओ जरा देखो गिरधारी काका आए हैं। गिरधारी काका है? बाबूजी के पैर छूने का मौका ही इससे नहीं मिला, तो आज तुम आशीर्वाद दे दो। सुखी रहो बेटी, दूधो नहाओ फूलो फलो। अरे अरे इसे छूकर तो तुम अशुद्ध हो गए काका, अब क्या होगा? इसे छूकर तो मेरी शुद्धि हो गई मुन्ना। सीता सावित्री जैसी बहू का अनादर करके मुझे नरक में जाना है? आपके लिए क्या लाऊं काका, चाय या शरबत? डरो नहीं काका, गंगा जल में बना रहेगी। चिढ़ाते हो मुझे बहू, सिर्फ चाय या शरबत से काम नहीं चलेगा। रेलगाड़ी के 4 घंटे सिर्फ 2 केलों पर बिताए हैं। बामन हूँ, जब तक पूरी पेट पूजा नहीं कर लूंगा यहाँ से हिलने वाला नहीं। हाँ अब खिलाई। आओ बैठो। मुन्ना तुमने तो कुंदन पहचाना, ये तो हम लोगों की किस्मत खराब। बहू तो साक्षात लक्ष्मी है। लक्ष्मी डॉक्टर दुखी काके का बुखार बहुत बढ़ गया है। समझ गया। नहीं मना कुछ नहीं है, तुम जाओ। नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते। हाँ वो क्या बात है? अस्पताल की तरक्की हो रही है, स्पेशल वार्ड बन रहा है। नर्स की स्पेशल लगनी चाहिए ना? लेकिन इतनी सुंदर नहीं लगनी चाहिए, वरना डॉक्टर अपनी ड्यूटी भूल जाएगा। दूर से दूर से दूर से दूसरा। अरे दिलो। जी सरकार। स्टेशन के पास जो स्पेशल फोटो खींचने वाला है ना, उसे जरा बुला ला, जल्दी जा। जी अच्छा। फोटो खींचने वाला क्यों?
स्पेशल नर्स की स्पेशल फोटो तो होनी चाहिए मैम साहब। हाँ चलिए मैम साहब, हाथ मत लगाओ, अब मैं नर्स हूँ, डॉक्टर की तरह चलो। ऐसी बात, ठीक है। क्यों दुखिया काकी, बुखार फिर क्यों पड़ गया? अरे बेटा ठीक हो जाओगे, पर तुमने क्यों तकलीफ की? चलो चलो उठो उठो उठो, मुंह खोलो, जीभ दिखाओ। बुखार शरीर में, खांसी फेफड़े में, मुंह में क्या धरा है? क्या धरा है मैं बताता हूँ क्या धरा है। ये क्या है? अरे तो क्या हुआ, चोरी तो है। फिर चोरी से तुमने अचार खाया? आशा इसे फेंको बाहर। दुखिया काकी मैं तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता, तुम घर जाओ, मुझे माफ करो। अरे बेटा मुझे यही बीमार रहने दो, मैं आज तक से घर जाऊंगी तो वही चंडिका बहू, भैया रे जैया ये कर वो कर। क्या बहू बढ़िया है ना? ये क्या है, तुम्हें कहा था ना इसे बाहर फेंकने के लिए, हाँ तुम खुद खाने लगी, जाओ फेंको बाहर फेंको। ठीक है काकी तुम घर जाओ। आशा क्या हुआ आशा? चक्कर आ गया क्यों? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? अरे वाह रे डॉक्टर बाबू, यही रह गई ना तुम्हारी डॉक्टरी भेजा। क्यों? ये पेट की बात माथे में चटोल रहे हैं। पेट की बात बगले समझा दो ना। आशा ये सच है? बोलो ना। अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा दुखिया काकी? होगा क्या बेटा, होगा हाँ, बेटा होगा ना हाँ? बेटा होगा, होगा। तो लो तुम मेरे हाथ से अचार खाओ। इनमें से पकड़ो। क्यों? मैं जानना चाहता हूँ कि बेटा होगा या बेटी। इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे मालूम है। क्या मालूम है? बेटा। सच? उसे मैं तुमसे भी बड़ा डॉक्टर बनाऊंगी, इनमें से कलकत्ता, ये फारसी इस्लाम। उसे तुम विदेश भेजोगी? नहीं नहीं क्या पता लौट कर गांव में आए ना आए। आएगा कैसे, नहीं कान पकड़ के नहीं ले आऊंगी, लेकिन पढ़ने और बेदर जरूर जाएगा। जिसे तुम हासिल नहीं कर सके उसे वो हासिल करेगा। हाँ लेकिन बोलो ना, भेजोगे ना उसे विदेश, रखोगे ना मेरी बात, बोलो बोलो ना। अच्छा बाबा अच्छा, जो तुम कहोगी जो तुम चाहती हो वही सब होगा। हाँ काजल में
जब जब वो मुस्काएगा। लेकिन काकी मुझे सांस की तकलीफ हो रही है। अच्छे वक्त में ऐसा होता है बेटा, घबराने की कोई बात नहीं। जा, जब दर्द उठेगा मैं तुम्हें बुला लूंगी। जा। डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, जरा जल्दी चलिए डॉक्टर बाबू, मेरा घरवाले का हालत बहुत खराब है, मुझे बच्चा नहीं चाहिए डॉक्टर बाबू, मेरे घरवाले को बच्चा नहीं चाहिए। लेकिन रामू मैं इस वक्त नहीं आ सकता हूँ, तुम एक काम करो किसी दाई को बुला लो। दाई खुद ही घबरा गई, उसने तो कहा आप ही बचा सकते हैं, दोनों की जान खतरा में है डॉक्टर भैया, मैं आपको पार पर तो उठा दूंगा। क्या कर रहे हो? देखो तुम जरा समझने की कोशिश करो। ये आशा, तुम रामू के साथ जाओ, इस हालत में तुम्हें अकेले छोड़कर। यहाँ दुखिया काकी है, दीनू है, मुझे कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं आशा, नहीं आशा तुम नहीं जानती हो, तुम एक डॉक्टर हो, डॉक्टर का फर्ज भुला सकते हो। लेकिन आशा मेरी बात सुनो। बेटा दूंगी तुम्हें, इतने अधीर क्यों हो? जाओ जाओ ना, जाओ। चलो रामू। काका बेटा तो फिक्र मत कर, डॉक्टर बाबू आ गए हैं, सब ठीक हो जाएगा। बच्चे रोता क्यों नहीं? जल्दी से पानी लाओ, जल्दी गर्म पानी। नहीं गर्म पानी लाओ अभी। लाए क्या हुआ काकी? लड़का हुआ हा? लेकिन रोता नहीं। रोता नहीं? नहीं। लीजिए गर्म पानी। रामू भैया डॉक्टर बाबू कहाँ है? डॉक्टर भी अंदर है। डॉक्टर बाबू, 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 बहू जी का हालत बहुत खराब है, डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, बहू जी का हालत बहुत खराब है, बहू जी का हालत बहुत खराब है, डॉक्टर बाबू जल्दी चलिए। यहाँ जाओ, यहाँ से जाओ, निकल जाओ। अब क्या होगा रामू भैया, बहू जी की हालत बहुत खराब है, अब मैं क्या करूं? तुम जाओ दीनू, जैसे डॉक्टर भैया बाहर आएंगे मैं उनको लेके आता हूं। मैं जाता हूं, डॉक्टर बाबू को जल्दी भेज देना, डॉक्टर बाबू को जल्दी भेज देना। तुम्हारे घर वाली और बच्चा दोनों बच गए। अरे सुनो सुनो सुनो, मेरे घर से कोई आया था क्या? दिनू आया था, भाभी जी का तबीयत बहुत ही खराब है, चलिए मैं आपको छोड़ जाता हूँ। दिनू क्या हुआ?
तो लौटा क्यों? मैं तो आपको बुलाने को गया था। क्या हुआ? क्या हुआ? तू रोता क्यों है? तू बोलता क्यों नहीं? काकी, मैं उन्हें सौगात में भी चाट गया, लेकिन वो बेटे का मुंह नहीं देखता। मैं कुछ नहीं कर पाई, कुछ नहीं कर पाई। ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तुम लोग अस्पताल में ले जाओ, मैं अभी आता हूँ। अरे देलू, तू क्या काकी, कोई है? जरा बच्चे को संभालना। लाओ बच्चे को मुझे दो। काका तुम? बाबा तारकनाथ के दर्शन के लिए आया था, वहाँ इस गांव के मुखिया मिल गए, उन्होंने मुझे सब कुछ बताया। लाओ मुझे दो। जरा संभालना इसे, मैं अभी आता हूँ। ओ राजा बेटा, ओ राजा बेटा, अरे अरे राजा बेटा, राजा बेटा। मुन्ना मेरी बात मानो, घर लौट चलो। नहीं काका नहीं, अब ये मुमकिन नहीं। क्यों मुमकिन नहीं बेटा? वहां पूरा महल सूना पड़ा हुआ है, बाप बेचारा इधर से उधर पागलों की तरह घूमता फिरता है। मेरी बात मानो बेटा, बूढ़े बाप को और न तड़पाओ, घर लौट चलो। हमारे वापस आने की सभी राहें बंद है काका, अब यही मेरा घर है, यही मेरी दुनिया है। यहाँ की हर दीवार हर कमरे में आशा की स्मृति है। इन सब कुछ छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ बताओ? तो फिर राजा बेटा को मुझे दे दो। तुम्हें? हाँ, मैं उसे पालूंगा, पढ़ाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा। उस घर में जहाँ इसकी माँ को सम्मान नहीं मिला? नहीं बाबा नहीं, ये हो नहीं सकता। बड़े सरकार की भूल का बदला राजा बेटा से न लो मुन्ना, मैं उसे कलेजी से लगा कर रखूंगा, उसे मेरे साथ भेज दो। नहीं नहीं काका नहीं, ये आशा की निशानी है, मैं इसे उस घर में हरगिज़ नहीं दे सकता। लेकिन बेटा तुम इसकी देखभाल कैसे करोगे? दिन रात मरीजों के बीच रहकर इसे पालने का वक्त तुम्हें कैसे मिलेगा? इसकी पढ़ाई कैसे होगी? बहू की अंतिम इच्छा पूरी कैसे होगी? गांव की पाठशाला में पढ़कर क्या ये डॉक्टर बन सकेगा? जरा सोचो तो। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, पर एक शर्त है मेरी। क्या शर्त है? किसी को भी ये ना मालूम हो कि ये मेरा बेटा है। ये कैसे हो सकता? नहीं नहीं काका, ये अमिट शर्त है। अगर तुम वचन दे सकते हो कि बाबूजी को भूल कर भी नहीं बताओगे कि इसके माँ बाप कौन है, तो तुम इसे ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। अगर तुम्हारी यही इज्जत है तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ। हाँ, हाँ, इसे ले जाओ। और देखो काका,
मैं इसे सिर्फ तुम्हें देता हूँ, याद रखना सिर्फ तुम्हें। सरकार जरा चश्मा तो दीजिए, साफ कर दूं। क्या पढ़ना क्या है? देखिए तो सब क्या लिखा है। ये अनाथ बालक एक उच्च कुल के बिरा क्या लिखा ब्राह्मण ब्राह्मण संतान है। जिस सज्जन को मिले वो इसे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ दिया जाए तो बड़ा अच्छा होगा। तो लिखना भी नहीं आता, किसने लिखा है? जी मुझे क्या मालूम, वो तो बच्चे के गले में धागे से बंधा हुआ था। सरकार मैंने तो अनजाने में पुण्य कमा लिया, मुझे क्या पता था कि ब्राह्मण के संतान है। किसकी बात कर रहा था? बच्चे की। नदी से स्नान करके लौट रहा था, अचानक एक बच्चे की रोने की आवाज सुनी। आगे बढ़कर देखा नदी के किनारे एक बच्चा अकेला पड़ा रो रहा है। छोड़कर आ नहीं सका, उसे यहाँ उठा ले आया। उसे यहाँ उठा लाया? तेरा दिमाग तो ही खराब हो गया है, न जाने किसका बाप उठा लाया। यहाँ लाने क्या जरूरत थी? कितना बड़ा बच्चा है? 5-6 महीने का होगा। सिर्फ 5-6 महीने का? जी ब्राह्मण की संतान है, अब तो उसे पालना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, ये मुसीबत गले बांधने की जरूरत नहीं। इतने से बच्चे को तू पालेगा कैसे? जिस तरह से मुन्ना बाबू को हम दोनों ने पाला था। मेरा मतलब है, बच्चा अगर मुन्ना बाबू का होता तो क्या उसे नहीं पालते सरकार? फिर तूने मेरे सामने उसका नाम लिया। हम दोनों ने सब पाल पोस कर बड़ा किया था ना, क्या मिला उसके बदले? कभी पूछने आया था कि हम लोग जिंदा हैं या मर गए? ममता और मोह के बंधन बड़े दुखदायी होते गिरधारी। नहीं नहीं, वो बच्चा इस घर में नहीं रहे। मेरे लिए तो मुसीबत हो गई, उस दुधमुए मासूम को कहाँ छोड़ा। पाप नहीं लगेगा सरकार? पाप नहीं, खामो का एक मुसीबत तुम गले में डाल रहे हो। गिरधारी जो अपना था वही पराया हो गया, तो पराया अपना कैसे हो सकता है? उसके लिए क्या और बंदोबस्त करो? अरे पगले, हंस रहा है? दादाजी का तो हुक्म है तुझे कहीं फेंक आऊं। अगर इस घर में तुझे रहना है तो दादाजी को पढ़ाने के लिए रो, 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 रो। अभी तक बच्चा यही है। रो क्यों रहा है? अरे गिरधारी, अरे ओ गिरधारी, बच्चा पड़ा पड़ा रो रहा है, कोई तो चुप नहीं कराता। तो है नहीं उसके पास। अरे गोविंद, ओ जगन्नाथ, तो कान में तेल डाल के सो रहे हैं क्या गिरधारी? गोविंद इधर आ, बड़ी सत्ता बुला रहे, बुलाने हैं भी, तू अंदर जाके छुप जा, तू जा अपना काम कर। कब से रो रहा है किसी को फिक्र ही नहीं। कब से रो रहा है? लो, कोई भी नहीं, अकेला बच्चा रोएगा नहीं तो क्या? चुप कर बाबा, चुप कर। अरे चुप कर ना, चुप। तुम चुप कर गए? सरकार आप यहाँ? हाँ कहाँ, कब से बच्चा रो रहा था? दूध लाने गया था, मैं जब गया तब तो मजे में सो रहा था, शायद नींद में डर कर जाग गया। क्या देख रहे हैं सरकार? अजीब बात है गिरधारी, बचपन में दीपक ऐसा नहीं लगता था, वही आंखें, वही चेहरा, तेरा ठीक से देख बहुत कुछ दीपक जैसा नहीं लग रहा है। ख्याल नहीं किया? ख्याल करूं कैसे, जब से बच्चे को लाया आप इतना डांट रहे हैं, इतना डांट रहे हैं। तुम्हें याद है बचपन में जब दीपक रोता था एक धमकी से चुप हो जाता था? हाँ ये तो याद है, इसे मैंने एक धमकी दी कि चुप हो जाओ, चुप हो गया। एक मेरे तरफ देख रहा, क्या देख रहा है? क्यों रे हंस क्यों रहा? अरे वाह वाह, कितना प्यारा बच्चा है। लू, लू, लू। ममता और मोह के बंधन बहुत दुखदायी होते हैं सरकार। वो तो ठीक है गिरधारी, लेकिन इतना सा बच्चा है, क्या पता किसका पाप है। हम इस पाप के क्यों भागी बने? सुबह इसको कहीं छोड़ आऊंगा। कहीं भी, रास्ते का कूड़ा है रास्ते में फेंक आएंगे। तेरा दिमाग खराब हो गया, इतने से बच्चे को रास्ते में फेंक आएगा तो फिर क्या करूं? अरे मैं सोच रहा था। क्या सोच रहे थे सरकार?
तूने कहा था ना इसे पाले का पाल कर नहीं लेता। मैं ना बाबा ना, मुझसे ये काम नहीं होगा। अरे पर क्यों नहीं होगा, दीपक को नहीं पाला तूने, नहीं होगा। मेरी तो हो गई मुसीबत, पालने को कहता हूँ तो कहते छोड़, छोड़ने के लिए कहता हूँ तो कहते पाल। आखिर क्या करना है ठीक ठीक बताइए। अरे नाराज क्यों होता है, यह बच्चा होता है भगवान का रूप, पाल ले से पाल। ठीक है आप कहते हैं तो। क्यों रे मुंह दिखाते ही फांस लिया बुड्ढे को, बदमाश कहीं का। ले के बिना सब कुछ सुना सुना लगता है आशा, अकेलापन काट में दौड़ता है। दिन भर अपने दुकान में उलझाए रखता हूं, फिर भी चैन नहीं मिलता। तेरे लिए मैंने
सबको छोड़ा, सुबह से दर्शन नहीं मिले आपके, कहाँ थे? जी राजा बाबू ने तो मुझे घोड़ा बना बना कर मेरी कमर टेढ़ी कर दी, इसलिए ये लाया। और अच्छा किया, मेरा तो उधार कर दिया। पूछता हूँ इस घर में बूढ़ा आदमी भी है, उसका कुछ ख्याल है या नहीं, और बच्चे के साथ ही खेलते रहोगे? इस घर में लोगों की कमी है क्या, कहिए क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, इस लकड़ी के घोड़े को अस्तबल में ले जाओ और उस पर बैठे रहो दिन भर, समझे? जी हाँ समझा। मेरी तो हर तरफ से मुसीबत। अरे ये क्या कर रहा है, इसके साथ छेड़छाड़ क्या कर रहा है? मुझे घोड़ा चाहिए। हाँ राजकुमार है, घोड़ा चाहिए। उधर उधर ये क्या हुआ, किताबें तो गिरा दी तूने। तुमने हमारा कान क्यों खोला? अरे मुझे अगर दिखाता ठहर, तुझे दिखाता हूँ मुझे। अरे नीचे तो था, मेरी पीठ पर चढ़ता। अरे मुझे घोड़ा बना दिया तूने। अरे बस रे, अरे चल तो रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। अच्छा घोड़ा ला दूंगा, चलो कुछ हो गया क्या? जी हाँ, बड़ा था, उसे कोई चोट वोट तो नहीं है? जी नहीं, इसे घोड़े पर चढ़ने का बहुत शौक है ना। जी हाँ सर। एक काम करते भाई, अब्दुल को बोल इसके लिए टट्टू खरीद लिया है। बहुत अच्छा। डॉक्टर भैया। कौन? अरे रसिकलाल जी, अरे भाभी जी भी आई हैं। नमस्ते। अरे 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 मेरी गुड़िया रानी भी आई है। आई आई डॉक्टर भैया, डॉक्टर तो वैसे भी सन्यासी होते हैं, ये भेष काहे को रख लिया? ऐसे ही, आइए भाभी जी, आइए बैठिए। पप्पू कहाँ है, दिखाई नहीं देता? भाभी जी उसे भेज दिया है अपने एक अजीज के घर। क्यों? नहीं मतलब ऐसा है, मतलब यहाँ उसे कैसे पढ़ा था? हम पढ़ाए तो नहीं थे डॉक्टर भैया। नहीं भाभी जी, ये कैसी बात कर रही हैं आप, ये सब तो आपका ही है, मैं भी आप सबका हूँ। बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ मेरी गुड़िया रानी, मेरे पास आएगी ना? बड़ी शैतान है ये, दिन भर उलझाए रखती है, शतरंज की मोहरे छुपा देती है। अच्छा? इतना प्यार करती है कि मन खिल जाता है, घर भर चहकता रहता है। सचमुच डॉक्टर भैया, बच्चों के बगैर घर घर ही नहीं है। पास पास राजा बाबू, अब नहीं, मैं बहुत थक गया। अरे बाप रे, और पास करो राजा बाबू, अब लौट चले। नहीं काका, थोड़ा और। अरे बाप रे, क्यों नवाब विक्रम सिंह, घुड़सवारी हुई? हाँ हुई। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। दादाजी कल से मैं गिरधारी काका के साथ नहीं जाऊंगा। क्यों क्यों क्यों? ये घोड़ा तेज नहीं भगाने देते। वारे शैतान, तेरे साथ भागते भागते मेरी हालत हो गई बुरी, और कदा भगाते नहीं। ठीक तो कह रहा है गिरधारी, तेरी तोंद देखकर तो मालूम पड़ता तू भागता ही नहीं होगा। बच्चों कल से जोर से घोड़ा भगाओ। अच्छा दादाजी। मेरी तो हो गई मुसीबत।
अरे ये घोड़ा है या हवाई जहाज? बड़ा घोड़ा ऐसे कोई भगाता है? ओम शांति शांति शांति। गिरधारी काका दी ग्रेट। अगर मैं घोड़े को नहीं दौड़ाऊंगा तो क्या घोड़ा मेरे को दौड़ाएगा? सोचो, जस्ट थिंक इट ओवर। बड़े सरकार, अरे ठीक ही तो कह रहा है पोता किसका? प्रताप नारायण राय चौधरी का। संदेश है तो धूमल, चल अंदर चल। अरे मेरी चोट क्या हुई? मुसीबत हो गई। ये लो बेटा, ये है तुम्हारा टिकट। हमारे खानदान में तुम ही पहले हो जो विलाज जा रहे हो। वहां के रिवाज, वहां की चमक दमक बहुतों को गलत रास्ते पर ले जाती हैं। लेकिन मुझे विश्वास है तुम अपने धर्म और संस्कार को कभी नहीं भूलोगे। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए दादाजी, आखिर पोता किसका हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटा। लेकिन फिर भी परदेश का मामला है, तरह तरह के लोग मिलते हैं बहकाने वाले, इसलिए कह रहा था जरा ध्यान रखना। सरकार, सुना है वहाँ घोड़े का मांस खिला देते हैं, शराब पिला देते हैं और वहाँ की मेमे बहका लेती हैं। गिरधारी काका दी ग्रेट, इसलिए तो तुम्हें साथ नहीं ले जा रहा हूँ। वहाँ किसी मेम ने तुम्हें बहका लिया तो? देखिए सरकार, मस्करी कर रहा है। चलो काका, सामान पैक करते हैं। अच्छा दादाजी, चलता हूँ। आशा, जानती हो आज तुम्हारा प्रकाश विलायत चला गया। तुम्हारा इतने दिनों का सपना आज पूरा हो गया। हाँ बोलो, तुम खुश हो ना? हाँ बोलो। ये मां, मैं कब तक धन्य अकेला खेल सकता हूँ? डॉक्टर भैया नहीं आएगा क्या? किरण, ए किरण। जी डैडी। जरा चेक। हाँ बोलिए। डॉक्टर भैया नहीं आए? कहीं आटक गए होंगे, आ जाएंगे। भगवान जाने कहाँ रहता है। मैं कब तक अकेला धन्य हो खेल सकता हूँ? हाँ खेल। किरण बेटी, चंदू, बस करो बस करो बस। चाचा जी आप आ गए? आपको आने में देर हुई तो डैडी घबरा गए। अच्छा? हाँ, मुझे दीजिए। चल चलिए अंदर चलिए। डैडी देखो कौन आए हैं। अरे अरे डॉक्टर भैया आओ आओ। अरे मैं कब से बाजी लगा के बैठा हूँ। डैडी चाचा जी थक क्या है, कुछ खा पी लेना तो दीजिए। यहाँ लाना। लेकिन सेठ जी मुझे फौरन वापस लौटना है, मैं तो कुछ दवाइयाँ खरीदने आया था। आखिर ये दवाइयों मरीजों के चक्कर में तुम कब तक पड़े रहोगे? लोक सेवा करते करते तुमने तो अपनी उम्र गुजार, शतरंज खेलना भी भूल गए हो। चल चलो। अब तो आदत नहीं रही सेठ जी। तो आदत सुधारो। ये लीजिए, हमारी तुम्हारी शतरंज खेलने की उम्र तो अब आई है। बच्चे बड़े हो गए, कल किरण की शादी हो जाएगी, चंदू कारोबार संभालेगा। और हाँ, तुम्हारा धनी हो पप्पू भी तो बहुत बड़ा हो गया होगा। हाँ है वो? वो जिनके पास पढ़ने भेजा था उन्होंने उसे गोद ले लिया। गोद ले लिया जी। कोई बात नहीं, एक धनी हो असिस्टेंट रख लो और सब छोड़ छा के यहाँ आ जाओ, हम दिन रात शतरंज की बाजी जमाएंगे। असिस्टेंट तो एक है सर जी, लेकिन तो देर किस बात? सो बुलाओ। अभी कुछ देर है सर जी, लड़का विलाज में पढ़ रहा है। कौन बिलेट में पढ़ा है चाचा जी? तुम्हारे डॉक्टर चाचा का होने वाला असिस्टेंट। क्या नाम है उसका? जी प्रकाश। प्रकाश कहीं हो? प्रकाश तो नहीं जो स्कॉटिश में पढ़ता था? वो स्कॉटिश में पढ़ता था, तुम कैसे जानती हो बेटी? फिर जानती नहीं, मानती भी नहीं। मैंने उनका नाम मिस्टर नल रखा है। नल हो, पाइप, ये क्या नाम हुआ? पाइप नहीं। जब कॉलेज में ड्रामा हुआ था तो दीदी दमयंती बनी थी और वो मिस्टर नल। चाचा जी मैं आपको मिस्टर नल का फोटो दिखाऊं? हाँ दिखाओ दिखाओ। दीदी के केमिस्ट्री के बुक में पेज नंबर 36 और 37 के बीच में आज तक उनकी फोटो है। उसे धनी हो शतरंज खेलना आता है ना? चलो डॉक्टर भैया, हमारी समस्या तो हल होगी, इसी खुशी में एक बाजी और खेलेंगे आज। तब तो 6 बजे वाली गाड़ी भी छूट जाएगी। कोई बात नहीं, 10 बजे वाले में चले जाना। यही तो बड़ी मुश्किल में फंसा दिया आपने। तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारा लड़का अच्छा हो जाएगा। सोचो मत, जाओ अपने घर जाओ। अरे काका,
कब आए मुन्ना? तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूँ। हाँ, बोलो बोलो। तुम्हारा राजा बेटा परसों इलाज से लौट रहा है बड़ी डिग्री लेकर। परसों ना? हाँ हाँ, दोपहर के 2 बजे हवाई जहाज आने वाला है, तुम एयरपोर्ट पर आना जरूर। जी तो बहुत चाहता है काका उससे मिलने के लिए। हाँ। वो तो मुझे पहचानेगा नहीं। तो क्या हुआ, तुम एयरपोर्ट पर आना जरूर। अच्छा तुम्हें आज तुम चलो, तुम चलो, आ चलो। क्या हुआ? देखिए ना। अरे ये क्या कर रहे हैं गिरधारी काका दिख रहे? जिन पैरों को चलना सिखाया उसी के पैर छू रहे हो। मालिक के पैर छूना तो नौकर का धर्म है। देखिए देखिए, वहाँ जाकर धर्म पालन करेंगे। चलो। तो विलास से अकेला चला है, मेम नहीं लाया। क्यों राजा बाबू, साथ में कोई मेम तो नहीं लाया? लाया हूँ, बिल्कुल लाया हूँ, इस बैग में। बहुत गोरी है, बहुत गोरी है। तो बेटा मैं कह रहा था डॉक्टरी तो तुमने पास कर ली, विलायत से डिग्री भी ले आए, अब क्या करने का इरादा है? नौकरी दादाजी। नौकरी? क्यों? नहीं बेटा, मैंने सोचा कोई अस्पताल अस्पताल गांव में खोलोगे, हमारे खानदान में किसी ने नौकरी वोकरी तो कभी की नहीं। लेकिन दादाजी मैं विलायत से नौकरी पक्की करके आया हूँ, अंग्रेजी कंपनी है, मेडिकल रिसर्च का काम है। राजा बाबू तो तुम डॉक्टरी नहीं करोगे? अरे गिरधारी काका दी ग्रेट, मैं जो करूंगा वो डॉक्टरी से भी बड़ी डॉक्टरी है। नई नई दवाओं की खोज करना, इलाज के नए नए तरीके ढूंढना, समझे? क्या बात, तो समझा प्रकाश। मैंने सोचा था गरीब दुखियों के लिए यहाँ गांव में अस्पताल खोलोगे। लेकिन दादाजी मैं नौकरी का बॉन्ड भर चुका हूँ। बॉन्ड भर चुके हो? फिर मैं क्या कहूँ, जो जी मैं करो। तुम्हारी चाल चाल चलो। हाँ? हाँ? क्या कहा आपने? अरे क्या हुआ तुम्हें? नहीं कुछ नहीं। कुछ नहीं कैसे? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है सेठ जी, बसों से देख रहा हूँ। नहीं नहीं धनी हो, खोए खोए लग रहे हो। नहीं नहीं। अच्छा तुम्हारा भी असिस्टेंट विलायत से आने वाला था, वो आ गया? हाँ आ तो गया सेठ जी, लेकिन उसे काम पे लगाओ। देखिए कौन, क्या लिखा है पेपर में? क्या लिखा है बेटी? आपके होने वाला असिस्टेंट ने तो नौकरी कर ली। नौकरी कर ली? जी हाँ, देखिए पढ़िए, मेडिकल रिसर्च सेंटर में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। छी छी चाचा जी, आपके प्रकाश से तो ये उम्मीद नहीं थी। नहीं नहीं नहीं, क्या ये हो नहीं सकता। क्या बात है? प्रकाश ऐसा नहीं कर सकता। क्यों, तुम विलायत से डिग्री लेकर इसीलिए आए थे कि यहाँ नौकरी करो? जी क्या ये ठीक है कि महीने में 3,000 रुपया पाने के लिए तुम अपनी योग्यता बेच दो? आप है कौन? मैं भी एक डॉक्टर हूँ, तुम जैसे काबिल तो नहीं हूँ, फिर भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ मैं। आप मेरे साथ आइए, आइए बैठिए, कहिए। देखो बेटा, डॉक्टरों के जीवन का आदर्श सिर्फ पैसा कमाना नहीं, उन्हें गरीबों और बीमारों की सेवा करनी चाहिए। लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, देखो बेटा, एक छोटा सा गांव है,
आज से 25 साल पहले मैंने वहां एक दवा खाना खोला था। तुम्हारी तरह डॉक्टर पास करके नया नया आया था। अगर मैं चाहता तो मैं भी शहर में रहकर पैसा कमा सकता था, लेकिन बेटे पैसा है तो सब कुछ नहीं है। गांव में लोग बीमारियों से तकलीफ उठाते हैं, मर जाते हैं, पर उन्हें देखने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं। गांव वालों के पास इलाज के कोई साधन नहीं है, वो मजबूर है। उन बीमारों और गरीबों की मजबूरी तुम अच्छी तरह जानते हो, क्योंकि तुम भी गांव में पैदा हुए हो। आपको कैसे मालूम? नहीं बेटा, मैं तुम्हारे घराने को अच्छी तरह जानता हूँ। भाई सी, मैं भी यही सोच रहा था कि आप जिस तरह से बातें कर रहे हैं, आप मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हेलो, यस सर, मैं अभी आया। एक्सक्यूज मी, मुझे जरा जाना पड़ रहा है। जाओ जाओ, और देखो मेरी बातों का बुरा मत मानना, न जाने आपने गाँव में क्या क्या कहेगा। नहीं नहीं, ऐसी क्या बात है, आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा। अगर आप मुझे फिर टाइम दे सकें तो मैं आपसे मिलना चाहूंगा। हाँ तो बताओ, फिर कब आऊँ? आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं, आपने एड्रेस लिख दीजिए, मैं कल शाम को आकर आपसे मिलूंगा। कल शाम को? हाँ। जा। आप क्या किसी फ्रेंड की शादी में जाने वाली है? कोई पिक्चर? गलत। हिमाचल बना सिंगर? अरे बाबा, मैं क्या घर में अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती? Why not? तो तू खेलने जा, बस ये मूड आ गया मेरा। मूड अचानक आ गया? Wait a minute, let me think. कल डॉक्टर जा जाए और आज मिस्टर नाल आने वाले हैं, है ना? चंदू मार खाएगा। भूख नहीं है, खाने का समय 9 बजे है। दीदी तुम डॉक्टर चाचा को बोलो ना कि पिताजी के साथ बात करें। क्या बात करें? वो बात तुम्हारे मन में है। मेरे मन में क्या है? मैं तुझे बताती हूँ, बंदर बदमाश। शाम को वापस आना, मजा चखाऊंगी तब। अरे मेरा शरीर कब का अंदर रह गया। दीदी दरवाजा खोलो। दरवाजा नहीं खुलेगा। दीदी मेरा चंदू बाबा अंदर रह गया। अच्छा हुआ। प्लीज दीदी, चंदू यहाँ से जा, नहीं तो मार खाएगा। अफवा। हाय जेंटलमैन, प्लीज हेल्प मी। यस चाइल्ड, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? आइए बताता हूँ। चलो। हाँ बोलो, क्या बात है? आप जरा दरवाजे पे नाप करके बोलिए कि आप भी डॉक्टर प्रकाश हैं। लेकिन मैं डॉक्टर प्रकाश। Come on, be a sport. मेरे दीदी नाराज है। अच्छा? उसने दरवाजा बंद कर लिया है। ओ। और मेरे शरीर को अंदर रह गया। ओ, I see. Please come. हाँ चलो चलो, नाप करूं। कौन? मैं डॉक्टर प्रकाश। बदमाश, आवाज बदल कर बोल रहे हैं। नहीं नहीं, मैं सचमुच डॉक्टर प्रकाश हूँ। मजा चकाची, मेरे डंडा किधर है? अभी मैं तेरे सर से डॉक्टर प्रकाश का भूत उतारती हूँ। देखिए, मैं सचमुच डॉक्टर प्रकाश हूँ, कोई भूत भूत नहीं। नहीं, मेरा मतलब है, मैं डॉक्टर दीपक से मिलने आया था। आप ये डंडा जरा नीचे नीचे रख लेंगी? जी, थैंक यू, मेरा काम हो गया। आपका छोटा भाई जी। अच्छा, डॉक्टर दीपक यही रहते हैं ना? आप अंदर आइए ना, आइए आइए। डैडी डैडी, डॉक्टर प्रकाश आए हैं, मेरे डैडी। आइए आइए, तशरीफ रखिए। आप लोग बातें कीजिए, मैं आती हूँ। आप ही हैं वो मशहूर डॉक्टर साहब, तशरीफ रखिए तशरीफ रखिए। इतने होला डॉक्टर हैं आप, तो शतरंज बहुत अच्छी खेलते होंगे। जी मैं शतरंज खेलना नहीं जानता। वो शतरंज खेलना नहीं जानते? नहीं। तो आप मेरे किस काम आएंगे? जी मेरे मतलब आप सुनिए, नाश्ता ठंडा हो रहा है। नाश्ता? जी आइए ना, आइए जाइए जाइए, शर्माने की कोई बात नहीं, आइए नाश्ता कीजिए। शतरंज खेलना नहीं, पता नहीं कैसे डॉक्टर बन जाते हैं ये। आइए बैठिए बैठिए, शुरू कीजिए। ये सब कौन खाएगा? आप खाएंगे। देखिए ये सब की जरूरत नहीं थी, मैं तो सिर्फ डॉक्टर दीपक से। जी हाँ, मैंने चाचा जी को खबर कर दी। अच्छा, वो आते ही होंगे। हाँ। तब तक आप शुरू कीजिए। चाचा जी तो हमेशा आपकी बहुत तारीफ करते रहते हैं। मेरी तारीफ? जी हाँ,
उनके ख्याल से तो आप देवता हैं, जो गरीबों का दुख दूर करने के लिए सीधे स्वर्ग से यहाँ आए। क्या क्या कह रही हैं आप? जी हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ। किरण बेटी। जी चाचा जी। अरे बेटा तुम आ गए, मैं बहुत खुश हूँ तुम आए। बैठो बैठो बैठो। अच्छा तुम पहले नाश्ता कर लो, बाद में बातचीत होगी। हाँ ठीक है चल। 25 साल तक अकेले मुझसे जो कुछ हो सकता था मैंने किया, अब उम्र हो गई, थक गया हूँ। देखो बेटे, गरीबों की निस्वार्थ सेवा करने में पैसा तो नहीं मिलता, ठीक है, पर ऐसा क्षण तो जरूर मिलता है जिसका अनुभव तुम तभी कर सकोगे जब तुम कुछ दिनों के लिए मेरे साथ आकर गांव में रहो। जरूर आऊंगा, जब भी मुझे छुट्टी मिलेगी मैं गांव चले आऊंगा। सच सच प्रकाश? हाँ सच। तो तुमसे मेरा मिलना सार्थक हुआ। मैं तो डर रहा था कि मेरी बातें तुम्हें अच्छी लगेंगी या नहीं। नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? आपकी बातों ने तो मुझे एक नई बात सिखाई है कि डॉक्टर का जीवन अपने लिए नहीं दूसरों के लिए होता है। हाँ? ये तो मेरा सौभाग्य है जो आपसे भेंट हुई। नहीं नहीं प्रकाश, मैं भाग्यवान हूँ कि जिसे उसका कि तुम मुझे मिल गए। कितने देर से धन्य हो दुकान सजा कर बैठा हो, इतनी क्या बातें हो रही? बैठो बैठो भाई, क्या बातें हो रही है दोनों धन्य हो डॉक्टरों में? मैं इन्हें अपने गांव की बातें सुना रहा था। बाप रे बाप, पूरे 2 घंटे हो गए अभी तक बातें खत्म नहीं हुई। अच्छा किरण बेटी, आप तुम दोनों बातें करो, मैं तुम्हारे डैडी के साथ एक बाजी जमा। धन्य हो, चलो चलो चलो, अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। अब आप मुझसे बातें कीजिए। बातें? हाँ हाँ बातें, लेकिन आपसे क्या बात करूं? अरे विदेश में रहकर आप इतना भी नहीं सीखे कि जब कोई लड़का लड़की अकेले हो तो क्या बात की जाती है? जी जी, वैसे आपने मुझे पहचाना? लगता है आपको मैंने पहले कहीं देखा है। लगता है ना? हाँ। कहाँ देखा है? वही तो सोच रहा हूँ। सोचिए सोचिए प्लीज। हुर्रा, मार दिया पापड़ वाले को। दीदी मैंने अपने स्कूल के चैंपियन को हरा दिया, नाउ आई एम द चैंपियन। कांग्रेचुलेशन। हेलो जेंटलमैन, आप अभी तक यही है और वो भी सही सलामत। चंदू, ये डॉक्टर प्रकाश है। ओह नो, व्हाट अ जोक, मैंने तो इन्हें ऐसे ही डॉक्टर प्रकाश बना दिया था। ये सचमुच डॉक्टर प्रकाश है? इम्पॉसिबल, फोटो से तो इनकी शक्ल बिल्कुल नहीं मिलती। किसकी फोटो से? राजा महल की। चंदू अभी दिखाता हूँ। अरे नाउ आई रिमेम्बर, वही ड्रामा जिसमें तुम दैवंती बनी थी, है ना? दीदी के केमिस्ट्री के बुक में पेज नंबर 36 और 37 के बीच में आज भी आप दोनों की फोटो है। एक अरे अरे, इसे नाराज होने की क्या बात है? बहुत झूठ बोलते हैं। नहीं नहीं, मुझे तो लगता बिल्कुल सच बोल रहे हैं। देखा, सच बोल रहे हैं ना दीदी? अरे देखो तो, ये ठीक है या नहीं? मैं नहीं देखूंगी प्लीज। तूने डॉक्टर प्रकाश के सामने बदतमीजी क्यों की? उन्होंने क्या सोचा होगा? क्या सोचा होगा? अच्छा मैं उन्हें फोन करके पूछूं? वो तेरी मर्जी, करना है तो कर। हेलो। हेलो, कौन बोल रहे हैं? मैं बैडमिंटन चैंपियन चंदन। हाँ बोलिए। पहचाना नहीं? मैं दीदी का भाई चंदन। ओ चंदू, हाँ बोल, क्या बात है? आप क्या दीदी से नाराज हैं? नाराज नहीं तो? नहीं ना, मैं जानता था। लीजिए आप दीदी से बात करिए। नहीं मैं बात नहीं करूंगी। क्यों? बोला ना नहीं करूंगी। हेलो दीदी कहती है तो आपसे बात नहीं करेगी। अरे तूने फोन क्यों बंद किया और ये क्यों बोला कि मैं बात नहीं करूंगी? तुमने तो कहा कि तुम बात नहीं करोगी। क्या निकल गया ऐसा बदमाश कहीं का उल्लू? हम खाती है। हेलो। हेलो डॉक्टर प्रकाश। हाँ बोल रहा हूँ, आप कौन बोल रही हैं? जी मैं बोल रही हूँ। मैं कौन? जी मैं आपको चाहती हूँ। चाहती हैं? क्या बोल रही हैं आप? जी मेरा मतलब है, आप किसी ऐसी लड़की को नहीं जानते जो आपको चाहती हो? जी नहीं, मैं ऐसी किसी लड़की को नहीं जानता हूँ जो मुझे चाहती है, और मैं भी किसी लड़की को नहीं चाहता हूँ। शुक्र है, बस मैं इतना ही जानना चाहती थी। अब मैं आराम से सो सकूंगी और आप भी आराम से सो जाएंगे। रखिए। सुनिए,
मैं डॉक्टर प्रकाश से मिलना चाहती हूँ। इस सब को ले आती हूँ। थैंक यू। अरे डॉक्टर बैनर्जी, तुम गए नहीं अभी तक? जरा सिल्वेनेटर देना। तो क्या देना? तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट? क्या एक्सपेरिमेंट? यही, इस ट्यूब में एक लड़के का प्यार है और इस ट्यूब में एक लड़की का। मैं ये देखना चाहती हूँ कि दोनों मिला से क्या होगा। होगा क्या? आपका सर? जी नहीं, बुद्धू लाइक यू। अरे ये क्या किया आपने? मेरा सारा एक्सपेरिमेंट खराब कर दिया। गलत टाइम में गलत काम करेंगे तो सब कुछ खराब हो जाएगा। अच्छा, तो इस वक्त क्या करना चाहिए? इस वक्त प्यार करना चाहिए। प्यार करना चाहिए? देखिए इधर इधर, मेरे पास प्यार व्यार के लिए कोई वक्त नहीं है। नहीं, मुझे काम करने दीजिए और आप जाइए यहाँ। चलिए सुनिए, चलिए भाग जाइए पहले। तुम्हें अगर प्यार के रास्ते पर ना ले आई तो मेरा नाम किरण नहीं है। हेलो, क्या नींद नहीं आ रही? देखिए आप है कौन? आप इस तरह बार बार? मैं किरण की बचपन की सहेली हूँ, उसके मकान के सामने रहती हूँ। हाँ, लेकिन इस तरह बार बार फोन करने का, तंग करने का मकसद क्या है? मकसद कुछ नहीं, सिर्फ अपने सहेली के दिल का हाल बताना चाहती हूँ। किरण के दिल का हाल आपको कैसे मालूम? वो मुझसे कुछ नहीं छुपाती है। असल में बात ये है, किरण आपसे बहुत बात। आपका दिमाग खराब है क्या? कमाल है, मामला दिल का है और आप दिमाग की बात कर रहे हैं। देखिए, दिल के मामले में पढ़ने का अपना कोई इरादा नहीं है, समझी? तो मैं अपने सहेली से क्या कहूँ? कह दीजिएगा, इस तरह की अल्ट्रा मॉडर्न पागल और ओ आप, शुक्र है दिन में आए हैं। आने का कोई बहाना तो होगा। कह डाली, मैं तुमसे नहीं डॉक्टर दीपक से मिलने आया हूँ। चाचा जी गांव वापस गए हैं। ओ, लेकिन उनसे कहना था कि मैं संडे को गांव आ रहा हूँ। संडे को? जी। तो गांव जाकर बता क्या ये, या तुम खड़े? अजीब लड़की है आप, आपके घर को आए तो आप उसके साथ इस तरह बातें करती है, कोई तमीज नहीं है आप में? क्या करूं? पागल हूं, क्रैक हूं, मॉडल लड़की हूं ना। ओ, तो आप तक खबर पहुंच गई है। जी हाँ, और अभी भी ये भी पता चला कि मुझ पे कोई तमीज नहीं है, मैं बदतमीज हूँ। देखिए अब आपके दर्शन का टोकरा उठा कर यहाँ से चले जाइए। धमाका! आई एम रियली सॉरी डॉक्टर प्रकाश, मुझे आप पे तरस आ रहा है। अच्छा चंदन, एक बात बताओ, तुम्हारी दीदी को कोई खास सहेली है? Why not? साला कुत्ता, उम्र 18 साल, दिखने में खूबसूरत और अभी तक शादी नहीं हुई। वही जो सामने वाले मकान में रहती है? वो तो मैटरनिटी होम है। क्या मैटरनिटी होम? लेकिन दादी वो बात क्या है? तुम्हारी दीदी ने दीदी को कुछ ना कुछ, मैं चलता हूँ ना चलता हूँ। दीदी ने जरूर चकमा दिया होगा। दीदी ये लो भाई, पैसा नहीं चाहिए। क्यों? आप डॉक्टर बाबू के मेहमान हैं ना, इसलिए। अच्छा, किनका खोज है? तो डॉक्टर बाबू घर में नहीं। कभी आएंगे? कहाँ पता, आएंगे तो सही। हाय राम, का आदमी है, अपना घर में नहीं आएंगे तो कहीं और चले जाएंगे का? अच्छा, आप क्या उनकी धर्मपत्नी है? अरे राम राम, अरे हम पूछा था तो और खोपड़ी में कहाँ है गोबर? ओ, मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझसे गलती हो गई। अरे गलती हो गए, हम तो और जैसे शहरी बाबू को खूब जानते हैं, हमको अकेला देखकर घर में घुस आए और बोला थे क्या? क्या बकती है? अरे क्या कहा तू और ये हिम्मत, अरे हम तो और चटनी बना दे चटनी। अरे निकल यहाँ से, अरे निकल। अरे ये क्या बात तुमने दी है, जंगली कहेंगी? क्या ऊपर से जंगली कहा? तो तुम? हाँ हम, वो अल्ट्रा मॉडर्न और पागल, या बदतमीज और जंगली, अब कौन सा रूप धरूं जो तुम्हें अच्छी लग सके? क्या किरण बेटी? हम जाते हैं। अरे सुनो तो, नमस्ते जी। अरे 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 प्रकाश, तुम कब आए? बस थोड़ी देर हुई। अच्छा अच्छा, तो किरण से मिले? जी हाँ। अचानक जाना पड़ गया, एक सीरियस केस आ गया था बीच में, तो तुम खड़े क्यों हो बेटा? बैठो बैठो, देखा मेरा ये घर?
हाँ, तुम तो विलायत में रहे हो, हवेली में रहने के आदि हो। खैर जैसा भी है ये घर अपना ही समझ पा। यहाँ पर आया तो मुझे खुशी लगा। बहुत खुशी हुई प्रकाश। तुम 5-6 दिन रहोगे ना? इस बार इतनी छुट्टी मिली नहीं, कल शाम को ही वापस चला जाऊंगा। कल शाम को ही वापस आओगे? खैर कोई बात नहीं है, मैं कल दवाखाना बंद कर दूंगा और सुबह सुबह निकल कर तुम्हें आसपास के गांव में ले चलूंगा। हाँ, तुम तो साइकिल चला लेते हो ना? जी हाँ। हाँ तो ठीक है, मेरे पास एक है और दूसरी, हाँ दूसरी मुखिया जी से ले लेंगे। फिर मैं कैसे जाऊंगी? तो परेशान हो जाएगी बेटी, क्या करेगी जाकर? जो आप करेंगे प्रकाश जी करेंगे। मैं इनके साइकिल पर बैठ जाऊंगी, ये मेरा बोझ संभालेंगे। लेंगे ना? किरण बेटी, मैं जरा वो दवाखाना होकर आता हूँ, तब तक तू प्रकाश का कुछ स्वागत सत्कार कर। अच्छा, अच्छा। स्वागत इनका हो ही चुका है और अब सत्कार की भी कमी नहीं होगी। स्नान करेंगे देवता, जूते खोल दो। अरे अरे, सीधे जूते से शुरू? लगता है सत्कार भी बहुत जोरदार होने वाला है। फिर वही बुद्ध हो जैसी बात है। देखो, स्वागत सत्कार करना स्त्री का धर्म होता है। अच्छा जी। तुम इतनी सुंदर हो, सारी दुनिया दीवानी होगी। ये शुरू हुई तुमसे, तुम्ही पर खत्म कहानी होगी। आह तुम इतनी सुंदर हो। गोरे बदन की खुशबू ऐसी कस्तूरी जैसे महके, गोरे बदन की खुशबू ऐसी कस्तूरी जैसे महके। होठ तुम्हारे सिंदूरी अंगारा जैसे दहके, इतनी सुंदर हो, सारी दुनिया दीवानी होगी। ये शुरू हुई तुमसे, तुम्ही पर खत्म कहानी होगी। तुम इतनी सुंदर हो। रखवाली के लिए जा रहा हूँ, नहीं तो चिड़िया खा जाएगी। पैर तो खो चुका है, ये जख्म फिर से जहरीला हो गया तो जान से हाथ धोना पड़ेगा, समझा? क्या कर रहे डॉक्टर बाबू, फसल तैयार है, कोई देखभाल करने वाला भी तो नहीं। तो जा, जा, जा के मर।
क्या हुआ इसे? कांटेदार तार से एक मामूली से खरोच हो गई थी, इसने गोबर और मिट्टी देकर उसे सड़ा लिया। बाद में जब मेरे पास आया तो गैंग्रीन हो चुका था। गैंग्रीन? हाँ, पैर काट देना पड़ा। आओ। ये लक्ष्मी है, इसका पति और तीन बच्चे कलेरा का शिकार हो गए और ये पागल हो गई। आओ। ये टीवी की लास्ट डिश है। जब मुझे खबर मिली उस वक्त तक ये बेचारा इलाज के बाहर हो चुका था। घर वाले सब इसे छोड़कर भाग गए। अब ये मौत का इंतजार कर रहा है। आओ बेटा आओ। किरण बेटी जरा चाय का बंदोबस्त करो। हाँ अभी नहीं। अब बताओ प्रकाश कैसा रहा तुमको? सचमुच इन लोगों की हालत बहुत खराब है। मैंने फैसला कर लिया है कि नौकरी का बॉन्ड खत्म होते ही मैं यहाँ चला आऊंगा और आपके साथ मिलकर इन गरीबों की सेवा करूंगा। सच प्रकाश? हाँ सच। मैं बहुत खुश हूँ प्रकाश, बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। किरण ये तस्वीर किसकी है? ये तो चाची जी हैं। ओह, इन्हें देख के मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं कैसा लगा प्रकाश? जैसे कि मैंने जानता हूं, कहीं देखा है। देखा है? हाँ, मैंने अपनी माँ को तो कभी देखा नहीं, लेकिन उनकी धुंधली सी तस्वीर मेरे दिमाग में है। लगता है शायद ऐसे ही हो। प्रकाश ये तुम्हें माँ जैसी लगती है? हाँ प्रकाश, उन्हें तुम अपनी माँ ही समझो। क्या हुआ इन्हें? चाचा जी को बहुत प्यार करते थे। उनके मरने के बाद यहीं पर उनकी समाधि बना दी है। प्रकाश यहाँ आया है, तुम्हारा प्रकाश। जरा हाथ देना। हाथ क्यों? हाथ दो ना। ये क्या? मैं कितनी याद रहे? क्या याद रहे? दादाजी से बात करनी है। जब तुम दादाजी के पास जाओगे उनको प्रणाम करोगे तो ये देखकर तुम्हें याद आ जाए और तुम दादाजी से कहोगे कि मैं एक लड़की। सुनो, तुम्हारी याद अंगूठी के बिना ही आ जाएगी, समझी? सच। अरे सुनो। अरे अरे कहाँ जा रही? ट्रेन ट्रेन। ट्रेन ट्रेन क्या? अरे ट्रेन आ रही है, जल्दी बोलो आप या डाउन। आप। और अगर मैं जीत गया तो तुम क्या दोगी? जो तुम चाहोगे, और अगर डाउन हुआ जो मैं चाहूंगी देना पड़ेगा। मंजूर है। डाउन हो जा डाउन, डाउन हो जा डाउन, हे भगवान, हे बाबा गणपति, डाउन हो जा डाउन, हे बाबा गणपति, पूजा चढ़ाऊंगी डाउन। डाउन, तुम हार गए, हार गए। मैं हार गया। बोलो आप क्या? घूम जाओ। घूम जाओ क्यों? अब देखना नहीं है और सुनना भी नहीं। ठीक है। ए, ये क्या? घूम मत, देखो माता। किरण, अगर यही हारने की सजा है तो मैं जिंदगी भर तुमसे हारता ही रहूंगा। प्रकाश। चाचा जी। प्रकाश। हाँ
ट्रेन का टाइम हो गया बेटे। चलिए हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। चलो चाचा जी, अभी तो मैं किसी लायक हूँ नहीं, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आपके चरणों में धूल लेकर मैं आप जैसे बन सकूँ। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो बेटा? देखिए, जब बेटा ही का है तो बेटे का फर्ज पूरा करने दीजिए। जीते रहो बेटे, जीते रहो। चलता हूँ फिर। अगर तुम्हें पसंद है तो ठीक है, मुझे क्या इनकार हो सकता है, लेकिन कौन है वो लड़की? जी किरण। तब तो बड़ी अच्छी जोड़ी रहेगी, प्रकाश और किरण। नहीं, मैं पूछ रहा था उनके पिताजी कौन है, उनका नाम, वंश, गोत्र। जी, उनका वंश और गोत्र तो मुझे मालूम नहीं, नाम है मिस्टर रसिकलाल वर्मा। वर्मा? चलो, वो तो ब्राह्मण नहीं है। आजकल ये सब जातवाद की कौन परवाह करता है? मैं करता हूँ बेटा, विवाह सिर्फ अपने सुख और सुविधा के लिए नहीं है, वंश और समाज भी तो कोई चीज है। लेकिन दादाजी, मैं शादी समाज के लिए तो नहीं कर रहा हूँ, शादी मैं अपने लिए कर रहा हूँ। लेकिन अपने ब्राह्मण समाज में भी तो अच्छी लड़कियां हैं। होंगी, लेकिन मुझे उनसे क्या लेना देना? सरकार, ये सब बातें अभी रहने दीजिए। तुम चुप रहो गिरधारी, कान खोल कर सुन लो प्रकाश। जब तक मैं जिंदा हूं, इस घर में दूसरी जाति की लड़की बहू बनकर नहीं आ सकती, समझे? दादाजी, आज तक मैंने आपकी हर बात मानी है, लेकिन आज ये बात नहीं मानता हूं। कैसे नहीं मानोगे? मैं शादी किरण से ही करूंगा। तुम ऐसा नहीं करो। मैं शादी किरण से ही करूंगा। फिर वही आना थोड़ा सरकार, मुन्ना बाबू की तरह इसे भी आप। इसके जिम्मेदार हो तुम। आपने कलेजे के टुकड़े को घर से निकाल कर मैंने तो सब्र कर लिया था, पता नहीं तुम इसे कहां से उठा लाया। सड़क से उठाकर सीधा तुमने इस घराने के आसन पर उसे बैठा दिया, और मैंने भी तुम्हारी बातों में आकर उसे अपना लिया। क्या कहा आपने? मैं इस घर का बेटा नहीं हूं। नहीं बेटा, तुम इसी घर के हो, इसी घर के हो बेटा। बताइए मुझे मैं कौन हूं। ये सब जानने की जरूरत नहीं, जैसे हो वैसे रहो। मेरे माता पिता का कोई परिचय नहीं, आप लोग मुझे रास्ते से उठाकर लाए थे, सिर्फ अपने बेटे के गम को भुलाने के लिए कुछ पर तय भी किया था, है ना? लेकिन मुझे उसे मरने क्यों नहीं दिया? तुम कहना चाहते हो कि तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, मैंने जुल्म किया, पाप किया। पाप और पुण्य में कुछ नहीं जानता, इस दुनिया में मैं अकेला था, अकेला ही रहूंगा, यही मेरा परिचय है। आज के बाद आपकी दया की भी की मुझे कोई जरूरत नहीं। राजा बाबू, मत जाओ, उसे जाने दो गिरधारी, उसे जान, उसे रुकिए, बुला लीजिए सरकार, बहुत डरावना हो रहा है। होने दो, जो मर्जी मैं करेगा, मैं कुछ कह नहीं सकूंगा। मैं कैसे कहूं? बात बता रहे गिरधारी जी, स्नेह माया ममता क्या इनकी दुनिया में कोई कीमत नहीं? सब गलत, सब झूठ। सब ठीक हो जाएगा सरकार, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अरे तू कब आए गांव से? आओ आओ, अंदर आओ। किरण। हाँ? मैं तुमसे विदाई लेने आया हूँ, तुम मुझे भूल जाओ। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ किरण, आज मुझे पता चला कि मेरा कोई परिचय नहीं है, मेरे माता पिता कौन है, मैं किस खानदान का हूँ, किसी का कुछ पता नहीं। किरण, अब मैं इस लायक नहीं हूँ कि तुमसे शादी कर सकूँ। नहीं हो? लड़का लायक है ये नालायक, इसकी फिक्र तो लड़की के बाप को होती है, लड़के को नहीं। तुम किरण को चाहते हो? जी हाँ। किरण तुम्हें पसंद करती है? बोलना। जी। तब तुम सरासर नालायक। जी? हाँ, मगर क्या करें, हमें तो तुम जैसा नालायक लड़का ही चाहिए, जो प्यार को मान देता हो, खानदान को नहीं, समझे? धन्य हो, सुनती हो, सुनती हो, मैंने किरण के लिए। धन्य हो, मैंने सब कुछ सुन लिया। ये लो बेटा, मीठा कर लो।
सब कुछ जानते हुए भी आप लोग मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं। फिर तुम गलत समझ रहे हो। अरे ये तो शादी की बात है, सम्मान तुम्हें इस घर में तभी मिलेगा जब तुम शतरंज खेलना सीख लोगे, समझे? तुम खड़ी खड़ी क्या देख रही है, चलो ना। तुम खड़े खड़े क्या करो, खाओ ना लड्डू, तुम खाओ। वर का पिता का नाम क्यों मुसीबत में डाल रहे हैं पंडित जी? परमपिता परमेश्वर के नाम लेकर आगे बढ़िए, वो सबके पिता है, ये कैसा हो सकता? ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बाप का नाम बता रहा हूँ। मैं आपको ऊपर से 200 रुपया दूंगा, आप शादी करवाइए। क्षमा कीजिए सर, वर का पिता का नाम मालूम नहीं तो ये शादी मैं नहीं करा सकता। पिता का नाम जानना चाहते हो? पिता का नाम है प्रताप नारायण राय चौधरी, दादा का नाम है प्रताप नारायण राय चौधरी। दादाजी तुम समझे कि मैं हार मान लूंगा? नहीं, आप है, आप हैं हरिपुर के जमींदार श्री प्रताप नारायण राय चौधरी। आप यहाँ पधारे हैं, मैं धन्य हो गया। मैं हूँ लड़की का बाप रसिक लाल वर्मा। तो फिर देर किस लिए, कन्यादान कीजिए, कहीं शुभ घड़ी टल न जाए। क्यों पंडित जी, अब आपको सब मालूम हो गया ना, तो शुरू हो जाइए। रास्ते बड़े सरकार अब बिल्कुल बदल गए हैं मुन्ना। बड़ वधू के स्वागत में आज शाम को बहुत बड़ा जलसा रखा है। अच्छा, मुझे बुलाकर कहा आज इस खुशी के मौके पर उसकी बार बार मुझे याद आ रही है। चलो बेटा, मैं तुम्हें लेने आया। काका नहीं, अब ये मुमकिन नहीं। क्यों मुमकिन नहीं, क्या तुम्हारा कलेजा पत्थर का हो गया? ईश्वर न करे, बड़े सरकार की जिंदगी का क्या भरोसा, आज है कल नहीं। क्या इस उम्र में तुम उनको जरा सा भी सुख नहीं दोगे? नहीं काका नहीं, ऐसा मत कहो काका, ऐसा मत कहो। तुम जरा समझने की कोशिश करो, अगर मैं वापस गया तो मेरी इतने दिनों की तपस्या, इतने दिनों की साधना सब कुछ धूल में मिल जाएगी ना? क्यों धूल में मिल जाएगी बेटा, आज अगर बहू जिंदा होती तो क्या अपने बेटे को आशीर्वाद देने नहीं जाती? बहू का सब काम तो तुम्ही को करना है, नहीं तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी बेटा। अगर मैं गया तो किसी ने पहचान लिया तो? अरे कौन पहचानेगा, इतने वर्षों से तुम बाहर हो, फिर कितने बदल गए हो, कोई नहीं पहचानेगा। अब जिद न करो, अब जिद न करो, चलो। हाँ तो बोल, फिर क्या हुआ? लीजिए, शुरू हो गई।
ये किस लिए? अब आपका गाना होगा। हाँ, आप सुनाइए ना। गाना वाना कहाँ? मुझे आप सबका आशीर्वाद चाहिए। मेरा जमाना खत्म हो रहा है। पता नहीं मैंने जो कुछ किया वो सही है या गलत। ये वंश चलता रहे इसलिए मैंने सब कुछ स्वीकार कर लिया है। आप सब बेटे और बहू को आशीर्वाद दीजिए। अपने बेटे को घर से निकाल कर जो मैंने अन्याय किया है उसका प्रायश्चित कर रहा हूं। काश मेरा बेटा यहाँ होता तो देखता मैं कितना बदल गया हूँ। कितना बाबूजी। कौन कौन है? किसने बाबूजी कह के पुकारा? अरे किसने बाबूजी कह के पुकारा? गिरधारी ऐसा ऐसा मालूम हुआ जैसे कि अरे सुनिए तो कौन है आप? किसे मिलना है आपको? मुझे जाने दीजिए। अरे सुनिए सुनिए तो किरदारी को कहीं देखा? नहीं सुनिए तो किरदारी को। अरे चाचा जी आप देखो बेटा इन्हें लोग इतना जोर क्यों बजा रहे हैं? ये तो मेरे चाचा जी हैं। चाचा जी आप नहीं नहीं धन्य हो डॉक्टर भैया। क्या शुभ मौके पर आए हो? मगर जा कहाँ रहे हो? नहीं सर जी बात ये है कि किसी ने मुझे बाबूजी कह के कुछ और क्या हुआ? बंदा कहाँ जा रहा है? तू जाएगा कैसे? अभी थोड़ी देर में मालूम हो जाएगा। मैं सब जानता हूँ। सरकार देखिए कौन है? कौन है? अरे बहुत मुश्किल से तू मिला है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब चल हाँ मेरे साथ। हाँ मैं सब समझता हूँ। कौन है? सरकार देखिए कौन है? पहचानिए सरकार। कौन है? पहचाना सरकार? मुन्ने को पहचाना? बाबूजी तुम मुझसे बाबूजी मैं ढूंढ गया कि बेटा दीपक बेटा सरकार इतने दिनों से मैंने एक बात छुपा कर रखी थी।
राजा बाबू मुन्ना का ही बेटा है। क्या आप मेरे पिताजी हैं? हाँ, बेटे। तीर्थधारी, ये दोनों मेरे अपने हैं, तूने मुझे अब तक नहीं बताया। मैं क्या करता सरकार, मुन्ना ने मुझे कसम दे रखी थी। मैं समझता हूँ बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। नहीं नहीं बाबूजी, ये आप क्या कह रहे हैं? लेकिन बेटा, असल में माफी तो मुझे बहू से मांगनी चाहिए। कहाँ है मेरी बहू? क्या हुआ बेटा, तुम जवाब नहीं देते? मुझे बहू के पास ले चलो, उसे माफी मांगनी। बेटा मुझे उससे माफी मांगनी है। बेटा मुझे उसके पास ले चलो। आशा, देखा तुमने? देखो बाबूजी आए हैं। हर दिल में जीते हैं वो, औरों के लिए जो मर जाए। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ, मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। बांटते हैं अपनी लेके जो औरों के गम, वही बना